हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जानेंगे जो कि आपको घर में रखनी चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वो ले सकें। इमरजेंसी में आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ना भागना ना पड़े और आपका इमरजेंसी में काम चल जाए, थोड़ी बहुत आपको राहत मिल जाए। तो इसमें सबसे पहले पर जो दवाई आती है वो है पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम या तो फिर 650 मिलीग्राम। आपको पैरासीटामोल की टेबलेट रखनी है, पैरासिप 500 या तो फिर कोई और ब्रांड भी रख सकते हो, डोलो रख सकते हो, कालपोल रख सकते हो, कोई भी आपको पैरासीटामोल जिसमें कंटेंट रहता हो ऐसी दवाई आपको रखनी है। ये किन समस्या में काम ली जाती है? तो ये बुखार के लिए काम में लिया जाता है, बुखार आता है या तो फिर सिर दर्द रहता है, कोई बदन दर्द रहता है तो उसमें ये काम लिया जाता है। तो इसकी जनरली दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एनाल्जेसिक, जिसका मतलब है कि ये दर्द निवारक है, दर्द को कम करती है, और एक होती है एंटीपायरेटिक, यानी कि ये बुखार को कम करती है। तो ये पैरासीटामोल की दो प्रॉपर्टी है। तो आपको पैरासीटामोल टेबलेट घर पर आपको रखनी है। और जो दूसरे नंबर पर जो दवाई आती है उसमें है पेन किलर दवाइयाँ में आपको इनमें से कोई भी एक दवाई आपको घर में रखनी है ताकि कभी भी आपको कहीं पर चोट लग जाए या तो फिर कोई और दिक्कत हो जाए, सिर दर्द हो, बदन दर्द हो, कमर दर्द हो, जोड़ों के दर्द हो, तो उनमें ये आपको काम में आ सकती है। तो इसमें पहली ड्रग है वो है डाइक्लोफेनाक, दूसरी है डाइक्लोफेनाक प्लस पैरासीटामोल, तीसरी है एसिक्लोफेनाक प्लस पैरासीटामोल, चौथी है निमेसुलाइड प्लस पैरासीटामोल। तो इनमें से कोई भी दवाई आप ले सकते हो। तो इनमें से ये जो डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, निमेसुलाइड ये है वो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, पेन किलर दवाई है और साथ में उसमें पैरासीटामोल है। तो ये दर्द को कम करने के लिए काम में दी जाती है, चाहे वो कोई भी दर्द हो, पेट के दर्द के सिवाय आप कोई भी दर्द में ये ले सकते हो, सिर दर्द में, बॉडी एक होता हो, हाथ दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, जोड़ों के दर्द में, आर्थराइटिस, गठिया, कोई भी तरह का दर्द हो तो उसमें आपको ये दवाई आप ले सकते हो। ये कुछ मैंने यहाँ पर फोटोज़ दी हुई है जिसमें जीरोडोल पी, उनेक प्लस, ये कुछ ब्रांड नेम से, कोई और ब्रांड से भी मार्केट में आपको मिल जाएगी। ये जो हमने बताया है ये कंटेंट के नेम है डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल और निमेसुलाइड पैरासीटामोल, तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टमक पेन के लिए, पेट दर्द के लिए कौन सी दवाई दी जाती है। तो पेट दर्द के लिए डाइसाइक्लोमाइन, मेफेनेमिक एसिड प्लस डाइसाइक्लोमाइन या तो फिर ड्रोटिन, ड्रोटिन में कंटेंट आता है ड्रोटावेरिन, तो ये तीन दवा इनमें से कोई भी आपको एक रखनी चाहिए। ये जो डाइसाइक्लोमाइन है वो एक एंटी स्पाज्मोडिक दवाई है जो कि आपके पेट में स्पाज्म को कम करती है, जो पेट दर्द होता है उसमें काम करती है। ये दवाई पेट में स्पाज्म को कम करती है, गैस एसिडिटी की वजह से अगर पेन हो रहा है तो उसमें ये काम नहीं आती, स्पाज्म हो रहा है एब्डोमिन में तो ये काम में आएगी। और अब हम बात करते हैं कि स्टमक में इरिटेशन हो रही हो या पेट में जलन हो रही हो तो उसमें हमें क्या, कौन सी दवाई रखनी चाहिए उसके लिए। तो अगर आपको एसिडिटी है, पेट में जलन रहती है, तो उसके लिए आपको डाइजिन सिरप रखनी है। जब भी आपको एसिडिटी हो या फिर पेट में जलन हो तो इनमें से आपको 2 या 3 चम्मच आपको तुरंत पी लेने हैं, जिससे कि आपको एसिडिटी में, पेट में जलन जो हो रही है, सीने में जलन हो रही है, उसमें तुरंत आपको आराम मिल जाए। और उसके बाद आता है वॉमिटिंग और गैस के लिए, उल्टी के लिए और पेट में जो गैस बनती है उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है। तो इनमें पहले हम वॉमिटिंग के बारे में बात करेंगे। तो वॉमिटिंग के लिए ओंडेंसेट्रोन टेबलेट आती है, दूसरी टेबलेट आती है डोमपेरिडोन, उनमें से कोई भी एक टेबलेट आपको रखनी है, ओंडेंसेट्रोन टेबलेट या तो फिर डोमपेरिडोन टेबलेट। ये आपको जब भी वॉमिटिंग हो तब आप ले सकते हो या तो खाना खाने से पहले आप ये ले सकते हो। अब बात करते हैं कि गैस के लिए कौन सी दवाई आपको रखनी है। अगर किसी को गैस बन रहा है, पेट खाना खाने के बाद पेट भरा भरा रहता है, पेट पूरा फूल जाता है, गैस ज़्यादा बनता है या फिर एसिडिटी भी हो रही है साथ में, तो आपको कौन सी टेबलेट रखनी चाहिए। तो इसमें रैनिटिडिन टेबलेट आता है और पेंटोप्राजोल टेबलेट आता है, और भी टेबलेट आते हैं, ओमेप्राजोल और राबेप्राजोल, ये दवाई आती है जो कि गैस को कंट्रोल करती है।
तो अगर आपको गैस हो रहा है तो ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। कोई भी गैस के लिए जो दवाइयाँ चालू रखनी है वो हमारे जो स्टमक में एसिड का सिक्रेशन को कम करती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा पेट में जलन और गैस ना हो। तो अगर ये दवाई लेनी है तो आपको हर रोज़ अपने आप से नहीं लेनी है, जब भी हो तब आपको एक आध या दो दिन आप ले सकते हो, उसके बाद आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि ये लंबे समय तक लेने से आपके बॉडी में आयरन, कैल्शियम और विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाती है, क्योंकि जो एसिड बनता है उसकी वो हमें ये सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल होता है, और एसिड ही कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा विटामिन की कमी हो जाएगी और आपको हड्डियों से जुड़े, मांसपेशियों से जुड़े प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। तो अपने आप से तो कोई भी दवाई आपको लंबे समय तक नहीं लेनी है, ये दवाई रखनी है इमरजेंसी के लिए, एक आध दो बार आप अपने आप से ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि दस्त में कौन सी दवाई ली जाती है डायरिया में। तो डायरिया में आपको दो दवाई है वो रखनी है, यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वो डायरिया में लोपेरामाइड रख सकते हो या तो फिर रासेकट रोटिल रख सकते हो। इन दोनों में से सेफ दवाई है वो है रासेकट रोटिल। लोपेरामाइड भी आप ले सकते हो जब भी आपको आपको बार बार दस्त जाना पड़े और दस्त पानी जैसा हो, तो तब इमरजेंसी में आप एक आधा गोली ले सकते हो, लेकिन रासेकट रोटिल है वो सेफ है। जो लोपेरामाइड है वो 6 साल से छोटे बच्चों को आपको नहीं देना है, 6 साल के बड़े बच्चों को ही आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, आप ले सकते हो। 6 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको आपको नहीं देना है, अडल्ट व्यक्ति ले सकता है। जब आपको दस्त बार बार जाना पड़े तो उस दौरान आप ये ले सकते हो। प्रेगनेंसी में तो ये दोनों ही नहीं देना है, या तो फिर आपको जो दस्त हो रहा है, लेटरिंग हो रहा है, स्टूल के अंदर ब्लीडिंग आ रहा है, तो उस दौरान भी आपको लोपेरामाइड या फिर रासेकट रोटिल आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो कोई और कोस से आपको डायरिया हो रहा है और उसमें ब्लीडिंग आ रहा है, तो उस कोज को ट्रीट करना होगा, कोई एंटीबायोटिक या तो फिर जो ब्लीडिंग को बंद करने के लिए दवाई आती है वो वगैरह आपको देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज़ के लिए कौन सी दवाई दी जाती है कब्ज़ के लिए। तो कब्ज़ के लिए डल्कोफ्लेक्स टेबलेट आती है, जिसमें कंटेन आता है बिसाकोडाइल। ये इसमें कंटेन आता है बिसाकोडाइल टेबलेट। ये 5 मिलीग्राम की भी आती है, 10 मिलीग्राम की भी आती है। ये आपको अगर 5 मिलीग्राम की गोली है, आपको कब्ज़ रह रहा है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, हर रोज़ लेटरिंग अच्छे से नहीं होता, बहुत हार्ड स्टूल होता है, तो उस केस में आप ये ले सकते हो। रात को सोने से पहले 5 मिलीग्राम की गोली है तो आपको 2 टेबलेट लेनी है, और अगर 10 मिलीग्राम की टेबलेट है तो आपको रात को सोने से पहले 1 टेबलेट लेनी है, तो इससे कि सुबह उठते ही आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो बीमारियां होती है पेट साफ ना होने की वजह से ही होती है। तो आपको ये टेबलेट भी अपने घर में ज़रूर से रखनी चाहिए, जिससे कि आपको कब्ज़ से आपको छुटकारा रह सके। और आपको हर रोज़ ये टेबलेट यूज़ नहीं करनी है, आप एक दिन या दो दिन ऐसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एंटी एलर्जिक दवाइयों के बारे में, जो एलर्जी के लिए काम में ली जाती है। कुछ किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो गया, चाहे वो कोई दवाई की वजह से हो या तो फिर कोई ऐसा खट्टी चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ खाने से या फिर मधुमक्खी काटने से कोई रिएक्शन हो गया है, किसी भी तरह से रिएक्शन हो गया है, शरीर में खुजली आ रही है, लाल लाल चक्कर थे, रेसिस बन गए हैं, और तो और साथ में छींके आ रही है, कोई भी एलर्जिक कंडीशन हो, छींके आ रही हो, सर्दी हो, तो उनमें यह दवाई प्रयोग की ली जाती है। तो इसमें सेट्रिजिन टेबलेट आती है और एविल टेबलेट, इसमें कंटेंट रहता है फिनारमाइन मेलेट एविल टेबलेट में, ये दोनों आती है। जो सेट्रिजिन टेबलेट होती है, सेट्रिजिन, वो आपको मार्केट में डायो 1 के नाम से मिल जाएगी, डायो 1 बराबर, जो कि 10 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, जो कि दिन में आपको एक बार लेनी होती है, या तो फिर जब भी आपको एलर्जिक रिएक्शन हो, जब भी सर्दी, छींके, खुजली, ये सारी चीज़ें हो रही हो, तब आप ले सकते हो। जो एविल टेबलेट है वो 25 मिलीग्राम की
एक टेबलेट आती है जो कि आपको जब भी ये रिएक्शन वगैरह हो तभी आप ले सकते हो। तो ये एंटी एलर्जिक दवाई थी। और कुछ चीज़ें जो कि आपको रखनी चाहिए, उसमें कुछ ट्यूब्स और क्रीम्स है जो कि आपको रखनी चाहिए, जो जिसमें आती है ये क्लोट्रिमाजोल ट्यूब, इनमें क्लोसिप करके ये क्रीम आती है, ये आपको रखनी है। ये जो दाद और रिंग वर्म को ठीक करती है, किसी किसी को दाद की प्रॉब्लम रहती है, रिंग वर्म होती है, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो उसके लिए क्लोसिप क्लोट्रिमाजोल क्रीम काम में ली जाती है। दूसरी इसमें जो ट्यूब है, क्रीम है, वो है बीटाडिन। तो बीटाडिन क्रीम जनरली कहीं पर घाव लग गया है, चोट लग गई है, या फिर कहीं कहीं पर फकोड़ा बन गया है, या तो फिर कहीं पर जल गए हैं तो वहाँ पर लगाने के लिए, या फिर कहीं पर एब्सेस या बॉयल हो गया है तो वहाँ उसको ठीक करने के लिए या उस पर लगाने के लिए बीटाडिन क्रीम आप घर पर रख सकते हो, जिससे कि आपको इमरजेंसी में दौड़ाना पड़े, आप वो अच्छे से अपना घाव साफ करके बीटाडिन ट्यूब लगा लें। और इसमें जो एक ट्यूब आती है वो है सिल्वर सल्फाडियाजिन। तो ये सिल्वर सल्फाडियाजिन ऑइंटमेंट है, ये किस काम आती है? तो ये जो लोग जल गए हैं, जो किसी के ऊपर कभी कभी गर्म गर्म पानी गिर जाता है, गर्म चाय गिर जाती है, रसोई में कोई चीज़ पकाते हुए आपको हाथ जल जाता है, तो कहीं पर हाथ पैर जल जाते हैं तो बर्न्स में काम ले जाते हैं, तो कहीं पर भी हम जल जाए तो उस दौरान हमें ये सिल्वर सल्फाजिन क्रीम लगानी है। तो ये भी आप घर में रख सकते हो। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको घर में रखनी चाहिए, जैसे कि आपको बैंडेज रखना है, बैंडेज क्योंकि कहीं पर चोट लगी तो वहाँ पर लगाएंगे, तो थोड़ा सा कॉटन रखना है, बैंडेज कॉटन, और साथ में सेवलॉन का लिक्विड जो आता है वो रख सकते हो, या तो फिर बीटाडिन का भी लिक्विड आता है वो रख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको रखनी चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।